International School online classes. How are you, beta? I hope everyone is fine there. बेटे, जैसा आपको पता है, हमारे दिनांक क्या है? देखिए, 8 दिसंबर 2020 बेटा. दिन हमारा मंगलवार. विषय कर रहे हैं हम हिंदी बेटा. हिंदी में देखिए पार्ट 12 कर रहे हैं हम बेटे आज. तो राय कार्य बेटे. जैसे आपको पता है, कल हमने की थी बेटा पार्ट 2 की रिवीजन. लेकिन बेटा, अब आपका मंडे को हिंदी का टेस्ट है ना? तो अब हम एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं पार्ट 12 की. ठीक है, आओ मेरे साथ देखना बेटा ब्लैक बोर्ड पे. आपने मैम की वीडियो को अच्छे से समझना है और ये सारा काम आपने आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस करनी है बेटा. ओके, आओ स्टार्ट करें बेटा. अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए बेटे. आपने ऐसी हेडिंग लिख दिया बेटा, दोहराई कार्य पार्ट 12 ईश्वरचंद विद्यासागर बेटा. ठीक है, सबसे पहले कौन सा कै भाग करना है आपने? कै बेटा, कौन सा भाग करना है? कै. शब्दों के अर्थ लिखो. क्या लिखने आपने बेटे? शब्दों के आज लिखिए बेटे. देखिए मैम ने 1 से 7 लिखी है. 1 से 7 तक, 1 से 7 तक आपको ये सारे लिखने भी हैं और याद भी करने हैं बेटा. पतलून, देखिए नंबर 1 पे क्या है हमारा? पतलून. पतलून का क्या अर्थ होता है बेटा? पैंट. पतलून का क्या अर्थ होता है? पैंट. नंबर 2 पे क्या है बेटा हमारा? कुली. कुली कौन होता है बेटा? उसका अर्थ होता है भार उठाने वाला. भार उठाने वाला बेटा. नंबर 3 पे देखिए बेटा, शर्मिंदा. शर्मिंदा का क्या अर्थ होता है बेटा? लज्जित. शर्मिंदा का क्या अर्थ होता है बेटा? लज्जित. नंबर 4 पे देखिए बेटा, क्षमा. क्षमा का क्या अर्थ होता है बेटा? माफ. नंबर 5 पे देखिए बेटा, लज्जा. लज्जा का क्या अर्थ होता है बेटा? शर्म. नंबर 6 पे देखिए बेटा, विद्वान. विद्वान कौन होता है? विद्वान का अर्थ होता है बेटा बहुत पढ़ा लिखा. बहुत पढ़ा लिखा बेटा. नंबर 7 पे देखिए बेटा, सुधारक. सुधारक का क्या अर्थ होता है बेटा? सुधारने वाला. सुधारने वाला. क्लियर बेटा? ऐसी यहाँ पे भाग क्या था बेटा? अब है भाग खै. भाग खै में क्या है देखिए बेटा, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए. बेटा ये आपको वाक्य दिए हुए 3 यहाँ पर और इनके नीचे ऑप्शन है. इसमें जो आपका आंसर सही है वो आपने यहाँ पर लिखना है बेटा. देखिए नंबर 1 पे बेटे, रेलगाड़ी से एक खालिस्तान उतरा. रेलगाड़ी से कौन उतरा था बेटा? नौजवान या बूढ़ा आदमी? कौन उतरा बेटा? नौजवान. तो हमने यहां क्या लिख देना है? नौजवान. रेलगाड़ी से एक नौजवान उतरा बेटा. ठीक है, नंबर 2 पे देखिए बेटा, यह कैसा स्टेशन है? यहां खालिस्तान भी नहीं है. देखिए यहां डैश भी नहीं. कैसा स्टेशन है? 4 कुली या 1 कुली? यहां 1 कुली भी नहीं है. हमने यहां पे क्या लिख देना है? एक कुली बेटा. ठीक है, अपने यहां पे लिखना है. ठीक है, यह कैसा स्टेशन है? यहां एक कुली भी नहीं है बेटा. अब देखिए नंबर 3 बेटा, लाइए मैं आपका सामान खालिस्तान तक पहुंचा दूंगा. लाइए मैं आपका सामान कहां तक पहुंचा दूंगा बेटे? तांगे तक या कार तक? तांगे तक. तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे आंसर बेटे? तांगे. तो हमने क्या लिखना है? लाइए मैं आपका सामान तांगे तक पहुंचा देता हूँ. क्लियर बेटे? अब बेटा अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटे इसको. देखिए बेटा, नंबर क्या है? शब्दों के अर्थ लिखो. पतलून पैंट, कुली भार उठाने वाला, शर्मिंदा लज्जित, क्षमा माफ, लज्जा शर्म, विद्वान बहुत पढ़ा लिखा, सुधारक सुधारने वाला. खै भाग देखिए बेटा, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरी कीजिए. रेलगाड़ी से एक नौजवान उतरा. यह कैसा स्टेशन है? यहाँ एक कुली भी नहीं है. लाइए मैं आपका सामान तांगे तक पहुंचा दूंगा. क्लियर बेटे? आई होप आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे बेटे. आपने ये दोनों अभ्यास कहाँ करने हैं बेटे? आपकी हिंदी की नोटबुक में. आपने लिखना भी है सुंदर सुंदर और याद भी करना है बेटा. ओके बाय बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.